अभी पूरा पिसा नहीं है, थोड़ा सा पीस रहे हैं अभी। तो इस चावल के आटे में अभी हम इस चावल के आटे में शाम को अंडे डालेंगे और आलू डालेंगे, अंडे डालेंगे आलू डालेंगे बस, उसके फिर ये बना देंगे। तो अभी और पीस रहे हैं। तो गाइस ये पिस भी आपको आवाज़ आ रही होगी, तो अभी ये पिस रहे हैं और अभी मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो गाइस मैं आपको दिखा दूँ कैसे पिस रहे हैं। मैंने आपको दिखाया कि कैसे पिस रहे हैं, अच्छे पिस रहे हैं। मैं सो गया था, मेरे को नींद आ गई थी, तो मैं अब उठ चुका हूँ। और यहाँ पर आलू घिस लिए गए हैं, प्याज टमाटर घिस लिए गए हैं, अंडे डाले जा रहे हैं। ये दूसरा अंडा गया, तो ये दूसरा अंडा गया, ये तीसरा अंडा गया, ये चौथा अंडा गया, ये पांचवा अंडा गया, ये छठा अंडा गया। अब हम करेंगे इनको मिक्स, मिक्स मैं करता हूँ। तो गाइस देखिए अभी इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, धनिया पाउडर डल चुका है, इसको मिक्स तो कर दिया था थोड़ा सा। अब डालेंगे रेड चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर भी डल चुका है। अब डालेंगे हल्दी, अब डालेंगे नमक, नमक डाल दिया है। अब वहाँ पर थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, अभी से करना है मिक्स। जब तक मिक्स करते हैं जब तक, अभी आपको मिलते हैं हम थोड़ी देर में। इसका कलर मतलब सही हो गया है। अब देखिए इसको हमने मिक्स कर दिया था, तो कलर देखिए कैसा हो गया। तो कलर गाइस ये हो चुका है, और अभी अभी हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस देखिए बनाना हमने स्टार्ट कर दिया है, ये कलर कटोरे में कर लिया था यहाँ से, क्योंकि ये ज़्यादा सतह, तो यहाँ से इसमें कर लिया। ये देखिए क्या मस्त बन रहा है भाई, क्या मस्त शेप आ रहा है। अब कब तक बना, ये लगाया ऑयल, इसके नीचे भी ऑयल लगाया था हमने, वापस ऑयल लगाया। ये अभी निकाल के पलटेंगे। नीचे से तो यह पलटा रहेगा, थोड़ा सा और ऑयल डाला, ये पलट गया। गाइस क्या शेप आ, पीछे से क्या मस्त लग रहा है। तो गाइस आप भी अपने घर पर बना सकते हो। ये चावल का आटा, पहले चावल को भिगो लेना है, मतलब 2-3 घंटे भिगो लेना है, और फिर उसको निकाल के फिर उसको मिक्सी में पीस देना है, और एक बड़े से कटोरे में कर लेना है, उसके अंदर जो आप डालना चाहो वो डाल सकते हैं। लेकिन हल्दी, रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर ये आप ज़रूर डालना, और उसके अंदर हमने डाला था एग डाला था और आलू डाला था, तो ये भी डालना, और जो आप डाल सकते हो वो भी डाल लेना। और ये देखिए क्या शेप आ रहा है, मस्त शेप आ रहा है। तो गाइस कोई एग ना खाता हो तो वो बिना एग के भी बना सकता है, तो बिना एग के भी बना सकता है। ये निकाल लिया गया, ये गाइस देखिए क्या लग रहा है, गर्म है गाइस देखिए बिल्कुल, क्या सी बात। देखो अभी तवे पे ऑयल डाला थोड़ा सा, और देखिए वापस ऑयल डाल दिया, तो इसे अभी थोड़ा सा लंबा कर लेंगे आमलेट की तरह। ये देखिए थोड़ा सा और ले लिया, ये करा हमें लंबा, ये इतना गोल जाएगा। अब ये देखिए गाइस ये अपना पक जाएगा,
इसका स्वाद बढ़िया है, मैंने अभी खाया था। तो गाइस देखिए इसमें भी सेप आने लगा है, मतलब पीछे से सही हो गया, आगे से बस सही नहीं हुआ। अभी इसे पलट देंगे, ये भी सही हो जाएगा। ये देखिए क्या लग रहा है। तो अभी हम भी खाते हैं, अभी हम भी खाते हैं, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। मैंने इधर सॉस ले लिया है, सॉस से आप जिस मर्जी से खा सकते हो, आप भी सॉस से खा लो तो सॉस से खा लो, जिस मर्जी से खा सकते हो आप भी। तो ये हमने ले लिया, ये खाते हैं। तो गाइस खाते हैं, अब देखते हैं कैसा लगता है। तो गाइस बहुत टेस्टी है, आप भी अपने घर पे ट्राई करना इसे। तो गाइस आज को हमारा आपको व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।